ओम जय लक्ष्मी माता। आज मैं आपको उस महालक्ष्मी मंदिर में लेकर आई हूँ जहाँ कोई भी भक्त दर्शन के लिए पहुँचता है तो उसके पास धन की कोई कमी नहीं रहती। आइए जानते हैं महालक्ष्मी मंदिर के बारे में। जिन भक्तों को व्यापार में घाटा हो रहा है या जिनके पास धन रुकता नहीं है उन्हें यहाँ जरूर आना चाहिए। कहा जाता है कि महालक्ष्मी मंदिर में बेश कीमती खजाना छिपा है। 4 साल पहले जब इसे खोला गया तो यहाँ सोने चांदी हीरे और मोती के ऐसे आभूषण सामने आए जिसकी बाजार में कीमत करोड़ों रुपए में थी। खजाने में सोने की बड़ी गदा, सोने के सिक्कों का हार, सोने की जंजीर, चांदी की तलवार, महालक्ष्मी का स्वर्ण मुकुट, श्री यंत्र हार, सोने की चिड़िया, सोने के घुंघरू, हीरों की कई मालाएं, मुगल आदि शाही पेशवा काल के जेवरात मिले थे। इतिहासकारों के मुताबिक कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर में कोंकण राजाओं, चालुक्य राजाओं, आदिल शाह, शिवाजी और उनकी मां जीजाबाई तक ने चढ़ावा चढ़ाया है। मंदिर की सुरक्षा पुख्ता कर CCTV कैमरों की जद में इस खजाने की गिनती पूरे 10 दिन तक चली थी। खजाने की गिनती के बाद आभूषणों का बीमा करवाया गया था। इससे पहले मंदिर के खजाने को 1962 में खोला गया था। मंदिर के बाहर लगे शिलालेख से पता चलता है कि यह 1800 साल पुराना है। शालीवाहन घराने के राजा करण देव ने इसका निर्माण कराया था, जिसके बाद धीरे धीरे मंदिर के अहाते में 30-35 मंदिर और बनाए गए। 27,000 वर्ग फुट में फैला यह मंदिर 51 शक्ति पीठों में शुमार है। आदि शंकराचार्य ने महालक्ष्मी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ की थी। इस मंदिर में स्थित खंभों में एक ऐसा रहस्य जुड़ा है जिसे सुलझाने में विज्ञान भी नाकाम साबित हुआ है। मंदिर के चारों दिशाओं में एक एक दरवाजा मौजूद है और इसके खंभों को लेकर मंदिर प्रशासन का दावा है आज तक इन्हें कोई नहीं गिन सका है। मंदिर प्रशासन की माने तो कई बार लोगों ने इन्हें गिनने की कोशिश की, लेकिन जिसने भी ऐसा किया उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी घटना देखने को मिली। विज्ञान भी इस रहस्य से पर्दा उठाने में नाकाम साबित हुआ। कैमरे की सहायता से इन्हें काउंट करने का प्रयास हुआ, लेकिन वह भी नाकाम साबित हुआ। कहा जाता है कि देवी सती के तीनों नेत्र यहाँ गिरे थे। यहाँ भगवती महालक्ष्मी का निवास माना जाता है। मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि साल में एक बार सूर्य की किरणें देवी प्रतिमा पर सीधे पड़ती हैं। बड़े पत्थरों को जोड़कर तैयार मंदिर की जुड़ाई बगैर चूने के की गई है। मंदिर में श्री महालक्ष्मी की 3 फुट ऊंची चतुर्भुज मूर्ति है। ऐसा कहा जाता है कि तिरुपति यानी भगवान विष्णु से रूठकर उनकी पत्नी महालक्ष्मी कोल्हापुर आई थी। इस वजह से आज भी तिरुपति देवस्थान से आया शाल उन्हें दीपावली के दिन पहनाया जाता है। कोल्हापुर की श्री महालक्ष्मी को करवीर निवासी अंबाबाई के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ दीपावली की रात महाआरती में मांगी मुराद पूरी होने की जन मान्यता है। ओम जय लक्ष्मी माता। काले पत्थर से निर्मित महालक्ष्मी जी की प्रतिमा की ऊंचाई करीब 3 फीट है। मंदिर की एक दीवार पर श्री यंत्र पत्थर पर उकेरा गया है। देवी की मूर्ति के पीछे पत्थर से बनी उनके वाहन शेर की प्रतिमा भी मौजूद है। वहीं देवी के मुकुट में भगवान विष्णु के प्रिय सर्प शेषनाग का चित्र बना हुआ है। देवी महालक्ष्मी ने अपने चारों हाथों में अमूल्य प्रतीक चिन्ह थामे हुए हैं, जैसे उनके निचले दाहिने हाथ में नींबू फल, ऊपरी दाएं हाथ में गदा कौमुदकी जिसका सिरा नीचे जमीन पर टिका हुआ है, बाएं हाथ में एक ढाल और निचले बाएं हाथ में एक पान पात्र है। अन्य हिंदू मंदिरों से अलग पूरब या उत्तर दिशा की बजाय यहाँ महालक्ष्मी पश्चिम दिशा की ओर मुख करे हुए स्थापित हैं। देवी के सामने की पश्चिमी दीवार पर एक छोटी सी खुली खिड़की है, जिससे होकर सूरज की किरणें देवी लक्ष्मी का पद अभिषेक करते हुए मध्य भाग पर आती हैं और अंत में उनका मुखमंडल को रोशन करती हैं। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन इस महालक्ष्मी मंदिर में दर्शन मात्र से ही होती है धन की बारिश। मंदिर में मौजूद भक्तों की संख्या यही बताती है कि यहाँ आने वाले हर भक्त का यह दृढ़ विश्वास होता है कि माता उनकी हर इच्छा पूरी करेंगी। माता लक्ष्मी की जय हो। यह मंदिर कोल्हापुर में शहर के रेलवे स्टेशन और सेंट्रल बस डिपो से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर के पास देवी भवानी के सम्मान में एक मंदिर है।
इस मंदिर में आप कभी भी आइए, भक्तों की बहुत भीड़ होती है। धनतेरस और दिवाली को तो भक्तों की बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। कहा जाता है कि दिवाली के कुछ दिन पहले से इस मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। मंदिर के अंदर माता लक्ष्मी मंदिर के साथ साथ भगवान सूर्य, दुर्गा माता और विष्णु आदि के अलावा कई देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित है। कहा जाता है यहाँ स्थापित कुछ मूर्ति 11वीं शताब्दी की हैं। इस प्रसिद्ध मंदिर की खासियत यह है कि वर्ष में एक बार मंदिर में मौजूद देवी की प्रतिमा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। लोगों के बीच यह धारणा है कि जो भी भक्त धनतेरस या दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा पाठ करता है तो उसके पास धन की कमी नहीं रहती। एक अन्य प्रचलित कथा है कि जो भी इस मंदिर की मिट्टी लेकर तिजोरी में रखता है उसे धन की प्राप्ति होती ही रहती है। मंदिर के आंगन में मणिकर्णिका कुंड पर विश्वेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है। कहते हैं तिरुपति बालाजी के दर्शन तब तक संपूर्ण नहीं होते जब तक आप महालक्ष्मी मंदिर में दर्शन नहीं कर लेते, इसलिए एक बार तो महालक्ष्मी मंदिर में दर्शन करने आना बनता ही है। इस समय जो भी भक्त यह कथा सुन रहे हो, माता लक्ष्मी से इतनी ही प्रार्थना है, अपने भक्तों की तिजोरी हमेशा धन से पूरी भरी रखें। मंदिर के बाहर इस तरह कलाकंद और पेड़ों की बहुत सारी दुकानें हैं, फूलों की दुकानें हैं जहाँ से आप प्रसाद के रूप में फूल ले जा सकते हैं माँ लक्ष्मी को अर्पित करने के लिए। इसके अलावा ये कोल्हापुर है तो कोल्हापुरी चप्पलें भी बहुत फेमस हैं। जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकलते हैं कोल्हापुर की विशेष मालाएं, जूतियां और चप्पलें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसलिए अगर आप कोल्हापुर आते हैं तो यादगार के रूप में कुछ ऐसी चीज़ें भी ज़रूर ले जाएँ। कोल्हापुर का ये मंदिर वाकई में आत्मा को शांति प्रदान करता है। जब मैं पहली बार यहाँ आई तो मुझे लगा कि इतनी सारी कहानियाँ इस मंदिर से जुड़ी हैं, तिरुपति बालाजी के दर्शन किए हैं तो माता लक्ष्मी के तो दर्शन करने ही बनते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो मुझे सुखद अनुभूति हुई वो बेमिसाल है, शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे माँ लक्ष्मी ने अपने दोनों हाथ मेरे सर पर रख दिए हों। माँ लक्ष्मी से आशीर्वाद लिया कि अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करें और उनके साथ हमेशा बनी रहें। माँ लक्ष्मी की जय हो, माँ लक्ष्मी के भक्तों की जय हो। ओम जय लक्ष्मी माता।